हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मेरा पहला दिन है कॉलेज का। कल रात तो सो गए थे हम, थोड़ा बहुत मैंने वीडियोस बनाए, वीडियोस एडिट भी करे, ऐसे सो गया। तो आज मेरा कॉलेज का पहला दिन होने वाला है। एक्साइटमेंट भी है, डर भी है, नर्वसनेस सब कुछ है। ये क्यों नहीं, तुम छोड़ खाना भी खाना। मैं जो सभी उठा, अभी ब्रश करूँगा, फ्रेश होऊंगा, नहा के खाना खा के सीधा कॉलेज के लिए रवाना हो जाऊँगा। और कॉलेज यहाँ से बहुत दूर है, तो शायद से कैब लेना पड़ेगा। ऊपर क्या गाइस, फिलहाल तो मैं नहा के आ चुका हूँ, फ्रेश वगैरह हो गया। मैंने एक्चुअली नहाने से पहले ब्रश करके खाना खा लिया था सुबह का। तो रूम का हालत तो बुरा फैला हुआ है, पड़ा ही है। तो एक्चुअली बात यह है कि आज कॉलेज का पहला दिन है और मेरे पास कॉलेज का यूनिफॉर्म नहीं है। मैंने खरीदा नहीं एक्चुअली कल। मैं कल इसलिए स्टाफ रूम से आया था कि कॉलेज का यूनिफॉर्म वगैरह खरीद पाऊँ, मगर आके मेरा पैरों में इतना दर्द था ना, अभी भी दर्द है। और मेरे को बुखार भी चल गया था थोड़ा सा, वो एक्चुअली ट्रेन से सफ़र करने के बाद सर दर्द वगैरह होता है। तो मैंने बोला कि जाने दो, आज आउटर से मीन्स कोई भी सिविल यूनिफॉर्म चले जाएंगे और कल अच्छे से यूनिफॉर्म वगैरह पहन खरीद के जाएंगे। इसलिए मैं आज आउटर से ही जाऊँगा। और बाकी सीनियर्स भी जो उधर पढ़ते बोल रहे थे कि हाँ पहला दिन है, जा सकते हो। अपन ऐसे जाएगा रेड टी शर्ट में, ब्लैक जीन्स की जीप रेडी होना मेरे पीछे। और इसने तो यूनिफॉर्म ले लिया था, बहुत सोचा इसे यूनिफॉर्म ले लिया था, मगर इसका यूनिफॉर्म है, इसने ट्राई नहीं किया था ट्रायल लुक पे, तो साइज थोड़ा छोटा है। तो ये भी मेरी तरह आउटर में जाएगा। फिलहाल यहाँ से हमारे कुछ दोस्त, हमारे जो पुरानी क्लासमेट है हमारे स्कूल के, वो लोग भी मिलेंगे। हम टोटली चार हो जाएंगे वहाँ पे जाके। हम दो उधर और नहीं, पांच हो गए टोटल, हम पांच लोग उधर पढ़ेंगे। मगर सबका डिपार्टमेंट अलग अलग है, कोई इंग्लिश ऑनर्स लिया सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजी लिया मौलान और जिन्होंने सोशियोलॉजी, और मेरा हो जो है जियोग्राफी ऑनर्स। तो मैं हो जाऊँगा पूरा अकेला, मुझे सब कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होगा वहाँ पे जाके। अभी कैब बुक करेंगे हम, उसके बाद जाएंगे सीधा। अभी जाएंगे कॉलेज पे, मजा आ रहा है बहुत। बॉय और दोस्त का कॉल पे कॉल आ रहा है, सब जानना चाहते हैं कब जाएगा, कितना जाएगा। फटी भरी है मेरी विस्वी, मगर चेहरे पे स्माइल। गाइस, ये वॉल का कलर पिंक है ना, ये पिंक आ रहा है। चिरंजी कर रहे हैं, ये बंद कर रहा है। और बिफोर मूविंग मैं इसका रेंट का थोड़ा छोटा सा टूर देना चाहूँगा, इसका रिक्वेस्ट। ये इसका जो रूम है, ये इसका मीटर बॉक्स, ये है इसका यहाँ का छत का छोटा सा कॉरिडोर, ये बाथरूम, ये दो टॉयलेट है। सबसे खास बात पता है, ये ऊपर जो दिख रहा है डंडा, ये जियो का लोकल जो टावर होता है ना, टावर बेस ये है। तो जियो के नेटवर्क के नीचे आज मैं पूरा रहता, नेटवर्क फिर भी इतना अच्छा नहीं दिया, नियर अबाउट 10 से 20 MBPS के अराउंड था। अभी हम कॉलेज जाएंगे, उबर हमने बुक कर दिया है, वो उबर आ ही रहा होगा, हम कॉल किया आराम से जाएंगे। चाबी बैग में रख दे, कुछ नहीं होगा। तो जो उबर मंगवाया था यहाँ का, उबर साले सब ऑटो ही होते हैं, वहाँ में मिलेगा शायद। चिरू, फर्स्ट टाइम कॉलेज का सफ़र कैसा लग रहा है बोल? नया जगह, नया शहर, नया लोग, मेरे को तो लिटरली थोड़ा नर्वसनेस है, थोड़ा सा डर भी लग रहा है। डर किस बात का, मगर होता है ना वो नया जगह, नया कॉलेज। मैं तो शाबरूम में पूरा 16 साल उधर ही था, तो एकदम मेरा क्या बोलते हैं उसको, दिल से कनेक्टेड था। तो कोई डर वर लाज शर्म कुछ नहीं था, मगर अभी जो है अभी जो है नया जगह है, नए लोग हैं, नया कॉलेज है, तो मेरे को थोड़ा सा डर भी लग रहा है। अभी देखते हैं क्या होगा। और उबर जो है यहाँ पे आएगा। चिरंजीत, तेरे फोन पे वो उबर का कॉल आएगा, तू देखते रहे। अभी हम मेन रोड पे आ चुके हैं, यहाँ में वेट करते हैं, ऑटो जो है आ जाएगा।
इसने इंडिकेटर भी नहीं दिया, बस हॉर्न दिया, ऐसे पता चलेगा। फिर ये जो हम इलाका में रहते हैं, ये अगरतला का ड्रॉप गेट नाम का एक जगह है, वहाँ का पास है। और ये जो दंडा टावर देख रहे हो, ये यहाँ का दूरदर्शन केंद्र है, वहाँ का नेटवर्क बेस, जहाँ से वो अगरतला दूरदर्शन जो है वो प्रचालित होता है। वाह, क्या हिंदी बोला रहे अपन, मस्त बोला। वैसे मैं वीडियो बनाना भूल ही गया, अभी ऑटो से जा रहे हैं। और मेरे को भूल ही गया था कि मैं ब्लॉग पर आ रहा हूँ, अभी याद है कि वो ऊबर जो है आ गया है। अभी लगभग 10 मिनट में हम पहुँच जाएंगे कॉलेज। ये है यूनिवर्सिटी का मेन बिल्डिंग, क्या मस्त लग रहा है यार। चिरो कैसा लग रहा है रे, चलो फटाफट गाइस, वो मेरे को फटाफट उड़ दिया था, और मेरी आंखें इतना तेज, पैसा देने से पहले बोल दिया फटाफट। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। अभी कॉलेज में जा रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता, फर्स्ट टाइम आ रहा है, मगर ये एरिया पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ है, पता है क्या। हाँ जाएंगे ना, अरे कोई बात नहीं, धीरे चल के जाएंगे। अच्छा सामने देखते हैं, ये देखो साला आते ही कचरा देख लिया, अरे आज का पूरा दिन कचरा जाएगा रे भाई। इधर इतना सारा प्लास्टिक का डम्प, पता नहीं क्या करके रखा है, डंपिंग ग्राउंड। यहाँ का जो मेन बिल्डिंग जो है, जो बनवाया गया था हमारे त्रिपुरा के महाराज के द्वारा, बहुत मैं भूल भी गया डेट किया था, नियर अबाउट 1936 के उधर बनाया था। ये मेन बिल्डिंग है, हमारे महाराज जो है वो कैम्ब्रिज से इंस्पायर्ड होके, आई थिंक वो कैम्ब्रिज से इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये बिल्डिंग बनाया था। ये है मेन बिल्डिंग, और सारे यहाँ के स्टूडेंट्स जमा है, बैठे हैं, मुझे कुछ नहीं पता क्या करना है, फिलहाल तो मैं दोस्तों का वेट कर रहा हूँ। गैस कॉलेज यहाँ का कुछ काम चल रहा है, इधर मैं गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं कॉलेज में गया था तो वहाँ में लोग, मैंने पूछा कि कौन कॉल करा है भाई, तो मैंने वहाँ से पूछा कि इस काम में क्या कर रहे थे वो लोग, बेचारे एडमिशन लेने आए थे, एडमिशन का कुछ फॉर्म का चालू था तो उधर सब फॉर्म भर रहे थे। फिलहाल मैं तो नया एडमिशन हूँ, मैंने तो ऑनलाइन कर लिया था, अभी क्या करना है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मोनन कॉल करा है, मोनन से मिल के आता हूँ। चिरू है ना, अपने कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। अरे मुझे चक्कर आने लग गया, मैंने कुछ सीनियर से पूछा था, सीनियर ने बोला कि आके सीधे क्लास में घुस जाओ, मतलब मैंने ऑनलाइन कब कुछ पेमेंट वगैरह, ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, एडमिशन का काम सब ऑनलाइन कर दिया ना, तो सीधे क्लास में घुसना है, तो मुझे वही समझ नहीं आता, सीधे क्लास में घुसूंगा तो मीन्स मेरे पास प्रूफ क्या रहेगा कि मैं स्टूडेंट हूँ, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। फिलहाल तो मैं कुछ फुटेज लूँगा कॉलेज का, आप लोग देख लेना। जंगा है रे पूरा, मैं बहुत पुराना पेड़ है, बताइए क्या ये साइंस का बिल्डिंग है ना, कुछ आइडिया क्या। सुना तूने क्यों, तूने क्यों नहीं पूछा कि तेरा सोचल ब्लॉक कहाँ पे है क्या भाई। मेरा मनन भाई आ गया, ये साला इसको मैंने अंदर आने के लिए, ये कॉलेज के गेट के बाहर ही रुक गया। फिलहाल अभी किसी को कुछ, किसी को कुछ नहीं पता हम क्या करेंगे यहाँ में, पता नहीं पार्क सब कुछ बना हुआ है, इधर पूरा अलग ही दुनिया बसा हुआ है कॉलेज का, मैं बातों से बोल नहीं पा रहा क्या है, मगर जो भी है बहुत अच्छा है यहाँ में। मैं अभी फिलहाल जा रहा हूँ ज्योग्राफी में, जहाँ पर क्लास होता है यहाँ पर तबेला भी बना के रखा है, तो ज्योग्राफी क्लास में जा रहा हूँ, क्लास होगा शायद से देखूँगा। और मैं तो रास्ता भी भूल गया था भाई कि कहाँ है मेरा रास्ता, बखला गया मेरा रास्ता किधर है। मेरे को लगा था कि यहाँ के सीनियर जो हम फिल्मों में देखते हैं ये थोड़ा सा रूड, ऐसा नहीं है, सबने प्यार से बिहेव किया, अच्छा लगा। अभी मेरे को डिपार्टमेंट मिल गया ज्योग्राफी डिपार्टमेंट का, यही के फर्स्ट फ्लोर में बोला था, देख लेते हैं कि ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कहाँ पर है। अरे अजीब लग रहा है रे, गाइस यहाँ में ज्योग्राफी डिपार्टमेंट है, अपना भी जाएगा। गाइस यहाँ के जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं ना, सारे क्या बोलूँ, सब में हम भी एकदम क्या बोलूँ, एकदम क्या। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
अच्छे से बिहेव किया, मुझे अच्छा लगा और मुझे सबका क्लास का वगैरह सबका डिटेल्स ले लिया है। फर्स्ट का जो क्लास है वो होगा, आई मीन आज का मैंने एक क्लास तो मैंने मिस कर दिया, दूसरा जो क्लास है वो शाम के 3 बजे होगा शायद से, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। अगर फिलहाल इनका इन दोनों का जो क्लास है सोशियोलॉजी का जो रूम है वो ढूंढना पड़ेगा, वो ढूंढ के हम मैं तो 3 बजे से रुकने वाला, सीधा घर चले जाएंगे। ये तेरा दोस्त है साला चिरु, ये तेरा दोस्त, तेरा जिगरी। ये किचन है रे, ये अलग है यार। कॉलेज बोल रहा हूँ, मतलब बोला था ना क्लास अलग अलग है। अल मैं है ना, चिंता मत कर, मैं बेशर्मों की तरह जाएगा। तेरा डिपार्टमेंट ढूंढना, अच्छा लग रहा है क्या, कैसा लग रहा है? नर्वस लग रहा है। मत देखो ये जिस डिपार्टमेंट में एडमिशन ले सोशियोलॉजी वही ताला मारा भाई, पता नहीं सर क्या होगा। मेरे तो जाते ही मिल गया, इसको बहुत तकलीफ उठाना पड़ रहा है भाई। अरे चिरू सर मान खत्म किया सर, वीडियो भी चिरू क्या पी रहा है भाई? जी पी रहा है लेमन, मैं पी रहा हूँ कुछ सोडा। भाई हमारा पूरा काम खत्म हो चुका है, मगर बस एक ही चिरंजीत का जो वो है नहीं मिला, उसका क्लास ढूंढ के नहीं मिला, उनका डिपार्टमेंट नहीं बंद था। मेरा तो फिलहाल हम अभी जियोग्राफी के फर्स्ट सेमेस्टर के जो क्लास में वहाँ पे बैठे हैं, सोच रहे थोड़ा रेस्ट करके घर चले जाएंगे, बहुत गर्मी और बारिश भी आने वाला है। हीरो डिपार्टमेंट नहीं मिला। अरे उसे छोड़, मेरा फोन काम। इसका फोन खराब हो गया, देखो इसका फोन डिस्प्ले खराब हो गया। मजा आ रहा, ठीक हो जाएगा, फोन स्विच ऑफ कर इसको। सोशल का डिपार्टमेंट धुन ही रहा था, यहाँ में कुछ सीनियर्स मिले तो सीनियर था, मैं कोई लेना चाहता था, उन्होंने बोला कि कुछ किसी स्टूडेंट्स यूनियन का कोई मेंबरशिप था तो मैं ले लिया, 10 रुपये लग गए, क्या कर सकते हैं। अभी मैं भी नया हूँ ना तो मैं कुछ खड़ा नहीं किया, मीन्स मना करने का रीज़न भी तो होना चाहिए, तो मैंने दे दिया 10 रुपये। ये तो है मीन्स मेरा 5 रुपये है पर स्टूडेंट, तो चिरंजीत का भी दे दिया तो 10 रुपये हो गया। मना तो मेरे को छोड़ के चले गए, मैं अकेला हो गया। मैं एक्चुअली क्लास में आया था, एक क्लास मिस रूटीन में तो था क्लास होगा, मगर मैम ने जब पूछा तो उन्होंने बोला थे सब कुछ क्लास कैंसिल हो चुका है, तो आज सीधा अभी घर जा रहा हूँ मैं। गाइस अभी हम यहाँ पे बिरयानी खाने हैं, और जिस आदमी के साथ मैं यहाँ पे बिरयानी खाने आया हूँ उसका फेस रिवील जो है नहीं करूँगा, थोड़ा सा दिख गया था मगर उसको कट कर दूँगा, अलग ब्लॉग आएगा उसके लिए। One eternity later. गाइस हैरान हो जाओगे क्योंकि मैं अभी आ चुका हूँ मेरे शॉप रूम के वही क्वार्टर पे, मेरे कमरे में। एक्चुअली हुआ ये कि कल मैं कॉलेज में जब गया था तो मेरा एक पुराना दोस्त, बचपन का दोस्त आशीष भाई आया था। आशीष भाई को मैं सब कुछ उनके उसके लिए अलग से एक ब्लॉग बनाऊंगा, बस उसके लिए, काफ़ी खास दोस्त है मेरा, तो भाई एक कह सकते हो। तो वो आया तो मैं भूल ही गया कल पूरा दिन और आज पूरा दिन हम मज़े करे, मीन्स ब्लॉग के बारे में भूल ही चुका था। घर आ गया अभी पता चला कि मैं ब्लॉग बनाता हूँ, फिलहाल मैं ब्लॉग को यही एंड करूँगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय टाटा।